हाय, माय सेल्फ सुधांशु। मेरा नया चैनल ओएसएम सुधांशु का वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं बोलूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी। दरअसल आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या होता है, एक एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि ग्रुप में जाओगे, जैसे पहला ग्रुप में कौन रहता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेंसियम, फ्रांसियम। दूसरा ग्रुप में, ग्रुप बी में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम। अगर मैं नीचे की तरफ, ग्रुप के नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो पहले ग्रुप में जाऊंगा हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उनके बीच जो डिस्टेंस है थोड़ा नज़दीक होगा। जब धीरे 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 नीचे की तरफ जाऊंगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा थोड़ा उनके बीच जो डिफरेंस कम होते होते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, सॉरी नहीं कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तब तो हम क्या कर सकते हैं, जब लूजली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, उसको हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अगर हमें पीरियड में जाऊंगा, जैसे कि हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सीधा जाऊंगा, पीरियड में जाऊंगा, तो क्या होता है, एटम का साइज धीरे धीरे छोटा होते जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। जब दोनों बॉन्ड इतना अटैच हो जाते हैं, जब दोनों अट्रैक्शन इतना जोर से हो जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। इसीलिए जब हम ग्रुप में जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। जब हम पीरियड में जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके मदद होते समय दूसरा का भी मदद हो जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।